सरकार केंद्र की हो या राज्य की, दोनों ही सरकारें जन कल्याण के दावे इस कदर भरती हैं जिससे लगता है कि इस देश में न कोई समस्या रह गई है और न ही कोई मुश्किल है। लेकिन हर रोज इन सरकारों के खिलाफ कहीं ना कहीं प्रदर्शन होते हैं, लोग अपनी मांगे मानते हैं और महीनों महीनों एड़ियां रगड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई होती नहीं दिखाई दे रही। ऐसी ही कुछ स्थिति समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिल्ली के शिक्षकों की है। समग्र शिक्षा अभियान दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की मदद से चलाया जाता है। यह शिक्षक दिल्ली के MCD स्कूलों में 1 से लेकर 5 तक ठीक उसी तरह पढ़ाई कराते हैं जैसे कि दूसरे अन्य परमानेंट शिक्षक करते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार और दिल्ली की सरकार ने मिलकर 2766 शिक्षक सिर्फ दिल्ली में रखे हैं। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है। सबसे मजेदार पहलू और दुखदायी पहलू यही है कि इनकी नौकरी हर साल के सिर्फ 10 महीने रहती है। 2 महीने यह बेरोजगार रहते हैं। उस बेकारी की स्थिति के बाद फिर एक बार इनको साहेब साहेबानों के दरवाजे जाना पड़ता है और नई नौकरी का एप्लीकेशन पर दस्तखत कराकर फिर से नई नौकरी शुरू करनी पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराती है, स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि सेंट्रल से बजट आएगा तो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देंगे। हमारी क्या गलती है ये जानना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम हमारे बेस पर जो कर सकते हैं हम वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है गवर्नमेंट ये बताए। यानी यह शिक्षक भले ही अपने छात्रों को गुलामी के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देते हों, लेकिन इनकी गति ये है कि हर 10 महीने बाद एक बार फिर से अपने अधिकारियों के दरवाजे इन्हें जाना पड़ता है। लेकिन इस बार तो अजीब हुआ, कोरोना के इस संकट के दौर में इन शिक्षकों को सरकार ने लात मार दिया है। हमारे पास डेली दिन में 10 से 15 पेरेंट्स के कॉल आ जाते हैं कि मैम आप कब से वापस आ रहे हो, इसका क्या मतलब है कि उनके पास टीचर्स नहीं है। हम जब वर्किंग रहते हैं तभी हमारी सैलरी 3 महीने लेट आती है। किसी डिपार्टमेंट किसी किसी ऑफिस में अभी तक 4-4 महीने की सैलरी रिलीज नहीं की है। हम 3-3 महीने तक अपनी सैलरी को वेट करते हैं, अभी भी हमारी सैलरी नवंबर से नहीं आई है। पिछले सितंबर में इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ और इस साल 19 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। उसके बाद से न इनका कोई पोछनहार है, न इनकी समस्या को कोई सुनने वाला। यह शिक्षक हर दूसरे तीसरे दर्जनों की संख्या में दिल्ली के विश्वविद्यालय में स्थित डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर में जाते हैं, नारे लगाते हैं, अपनी बातें कहते हैं, मिन्नतें करते हैं अधिकारियों की से कि साहब हमें रख लो, शिक्षकों को पढ़ाने दो, हमारी भी जिंदगी है, रोजी रोटी है। लेकिन इनकी कोई न सुनता है और न ही इनकी कोई बात मानता है। बात कर रहा है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का आगे क्या होना है। 19 जनवरी को हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, अभी भी हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मई जून जुलाई अगस्त जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ था तब भी हम अपना टीचिंग का काम कर रहे थे और हम अपनी सेवा देने को तैयार है, लेकिन विभाग हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। केंद्र की सरकार राज्य पर डाल देती है और राज्य की सरकार केंद्र पर डाल देती है, मानो यह इंसान न हो, कोई मशीन की गोटियां हो जिनको इधर उधर ये सरकारें उछाल रही हैं। और यह उछालने का नतीजा है कि 2766 शिक्षकों की जिंदगी पर बहुत असर पड़ा है। तमाम परिवारों में आर्थिक संकट हो गया है। कई परिवार ऐसे हैं जहां की कमाने वाला एक ही है और आर्थिक स्थितियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। सब लर्निंग बाय अर्निंग कर रहे हैं, कुछ कुछ के सिर्फ एक इंसान ही घर में कमा रहा होता है, तो सर उनकी पूरी फैमिली उसी एक इंसान की कमाई पर चलती है। ये एक ऐसा टाइम है, हम कोई और स्कूल भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आपको भी पता है स्कूल खुले नहीं है, बिना उसके हमें कोई भी स्कूल अंदर नहीं लेगा। तो अब हम अनएम्प्लॉयड हैं टोटली, ना हम गवर्नमेंट में रहे ना हम प्राइवेट में रहे, अब हम बस घर पर रह चुके हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे वाले मोदी सरकार की स्थिति ये है कि इन समग्र शिक्षा अभियान की बहुतायत शिक्षकों में महिला शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। आप जरा सोचिए कि जिस सरकारों से लगातार लोग कहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी दीजिए, वह सरकार अपने ही डिपार्टमेंट में, अपने ही स्कूलों में, जी हाँ MCD के सरकारी स्कूलों में इन शिक्षकों को खटवा है और नौकरी सिर्फ 10 महीने की देती है। सच ये है, आपने सुना इनके मुंह से कि क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है। हो यही रहा है कि हर बार सरकार के कोई ना कोई ऐसी स्थिति क्रिएट कर दे रही है सरकार जिससे कोई ना कोई समाज का एक तबका, नौकरी पेशा तबका, गरीब मजदूर तबका,
हमेशा प्रभावित है और सरकारों के आगे जी हजूरी की मुद्रा में खड़ा है। सबसे तकलीफ देह बात तो यह है कि इसी को हमारे यहाँ लोकतंत्र कहा जाता है और यह शिक्षक और शिक्षिकाएं बेचारे इसी को अपने स्कूलों में अपने बच्चों को लोकतंत्र के रूप में पढ़ाते हैं, बताते हैं कि हमारे देश का शासन सबसे महान है और यही शिक्षक आज भुगत रहे हैं और उनको लोकतंत्र आईना दिखा रहा है।